दुर्योधन अब अकेला हो गया था। मृत्यु के भय से वो यहां वहां भटक रहा था। आखिर उत्तर दिशा में वो द्वैपायन तालाब के पास आ गया और उसने वहीं पर छिपने का निश्चय किया। पानी को स्थिर करके उसने उसमें प्रवेश किया। उसी समय कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा दुर्योधन को ढूंढते हुए यहां वहां भटक रहे थे। वो उसी स्थान पर आ गए। जब उन्हें पता चला कि दुर्योधन यहां छिपकर बैठा है, बाहर आकर पांडवों के साथ युद्ध करो, शौर्य से लड़कर विजय प्राप्त करो या वीर मरण को स्वीकार करो। मुझे खुशी है कि तुम अभी जीवित हो। मैं बहुत थक चुका हूं, हम कल युद्ध करेंगे। अश्वत्थामा और बाकी अपने राजा के निर्णय से खुश हो गए। सभी वहां से लौट गए। उसी वक्त एक शिकारी वहां से गुजर रहा था, जिसने ये संभाषण सुना और उसने भीम को खबर दे दी। श्री कृष्ण के पीछे सभी पांडव उस जगह गए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को पुकारा, दुर्योधन कहां गया तुम्हारा अभिमान, कहां गई तुम्हारी वीरता, उठो और एक क्षत्रिय की तरह लड़ो। दुर्योधन ने पानी की गहराई से जवाब दिया, मैं यहां किसी दुख या डर से नहीं आया हूं, मैं बहुत थक चुका हूं, तुम भी आराम करो, हम कल सुबह लड़ेंगे। श्रेष्ठ योद्धा वही होता है जो युद्ध खत्म होने पर ही विश्रांति लेता है। बाहर आओ, युद्ध करो, एक क्षत्रिय के भांति लड़ो, विजय प्राप्त करो या फिर मृत्यु। लेकिन मैं शस्त्रहीन और कवचहीन हूँ, एक सशस्त्र सैन्य के साथ मेरा लड़ना उचित नहीं, मैं तुम में से किसी एक ही के साथ लड़ूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम में से किसी भी एक के साथ तुम युद्ध करो और बाकी सिर्फ देखेंगे। चलो देखते हैं तुम्हारी वीरता। सभी पांडव हंसने लगे और दुर्योधन अपने हाथ में एक गदा लेकर बाहर आ गया। पांडवों ने भीम को आगे करने का निश्चय किया। दो मदमस्त हाथियों की तरह दुर्योधन और भीम एक दूसरे के सामने आ गए। सभी योद्धाओं ने उन दोनों के चारों ओर एक मंडल बना लिया। एक भीषण युद्ध का आरंभ हुआ। वो दोनों ही युद्ध के नियमों का पालन कर रहे थे, एक दूसरे की ओर देखकर घूमते हुए, कभी हवा में उछलते हुए एक दूसरे पर वो तेज प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे को जमीन पर मार गिराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक दुर्योधन एक वार करने के लिए हवा में उछला, तभी श्री कृष्ण ने अपनी जंघा पर हाथ मारकर भीम को संकेत दिया। श्री कृष्ण के उस संकेत को पाते ही भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। भीम उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। दुर्योधन ने जब दूसरी बार हवा में छलांग लगाई, भीम ने उसी वक्त दुर्योधन की जंघा पर जबरदस्त आघात किया। दुर्योधन घायल होकर जमीन पर गिर गया। भीम ने अपना पांव दुर्योधन के सिर पर रखा, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे रोका। बस भीम, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, अब छोड़ दो उसे, वो तुम्हारा भाई है। संपूर्ण विजयी होकर पांडव वापस लौटे। लौटने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से नीचे उतरने के लिए कहा। श्री कृष्ण के रथ से नीचे उतरते ही रथ जलकर खाक हो गया। कृष्ण, ये कैसे हुआ? युद्ध के दौरान अनेक दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र इस रथ पर लगे थे, जिनका प्रयोग अर्जुन पर किया गया था। जब तक मैं इस रथ पर था, यह रथ बचा रहा। अब युद्ध के साथ इस रथ का कार्य भी समाप्त हो चुका है। महर्षि व्यास ने योग्य कहा था, जहां कृष्ण वही विजय है।